नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गुजरात में मिली पाकिस्तानी बोट, बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन शुरू। गुजरात के कच्छ सीमा में पाकिस्तानी बोट मिली है। बोट मिलने के बाद से बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी बोट कच्छ के आसपास से सरगिरी क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली है। बीएसएफ के मुताबिक बोट पाकिस्तानी मछुआरों की है। कुछ दिनों से इससे पहले खुफिया एजेंसी ने समुद्र के रास्ते आतंकवादियों के आने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद से बीएसएफ और भारतीय तटरक्षक ने समुद्री रास्तों की रखवाली बढ़ा दी है। अलर्ट होने के बावजूद पाकिस्तानी बोट मिलने से हड़कंप मच गया है। गुजरात को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक नागरिक पकड़ा गया था। ऐसे में आज सिरक्रिक क्षेत्र में गश्त के दौरान बीएसएफ जवानों को पाकिस्तानी बोट मिली है। जांच के दौरान बोट पाकिस्तानी होने की जानकारी, सूत्रों की माने तो बोट में कुछ लोग सवार थे, लेकिन बीएसएफ के काफिले को देखकर फरार हो गए। सेना ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर कड़ा बंदोबस्त तैनात कर दिया है। ऐसे कमरों में बैठकर कागज में सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ही कर सकती है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सीकर एक रैली में कहा, आपके इस उत्साह और इस भावना को अभिनंदन करता हूं। जब मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, तो आज यहां के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि मोदी ने अभिनंदन का नाम लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कल कांग्रेस ने एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है कि हमारे समय भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अब कांग्रेस किसी भी तरह ये साबित करने में तुली है कि हमने एयर स्ट्राइक की। कांग्रेस अब सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख भी सामने लाए हैं। ये कैसी स्ट्राइक थी भाई, जिसके बारे में आतंकवादियों को कुछ नहीं पता, स्ट्राइक करने वालों को कुछ नहीं पता, पाकिस्तान को कुछ नहीं पता और ना देश की जनता को कुछ पता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो उम्र के किसी भी पड़ाव में वीडियो गेम खेलते रहते हैं और शायद सर्जिकल स्ट्राइक को भी वीडियो गेम समझकर आनंद लेते होंगे। ऐसे कमरों में बैठकर कागज में सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ही कर सकती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का पंजा हमेशा मलाई के चक्कर में ही रहता है। जहां मलाई नहीं, वहां कांग्रेस कभी नहीं गई। तूफान से ओडिशा में 8 की मौत। प्रधानमंत्री ने कहा, देश आपके साथ है। तूफान फानी की चपेट में आकर ओडिशा में 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा कि देश आपके साथ है। तूफान ने ओडिशा में भयंकर तबाही मचाई है और किसी के हताहत होने की यह पहली खबर है। फानी तूफान के चलते दक्षिण भारत के साथ देश के कई अन्य राज्य अलर्ट भी हैं। विनाशकारी फानी तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने तैयारियां भी कर ली है। रेल और हवाई यात्राओं पर इससे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। 2 मई 2019 को मध्य रात्रि से ओडिशा स्थित भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, जबकि कल 3 मई से पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट ऑफ रहेगा। जानकारी के अनुसार एएनएन ने बताया कि ओडिशा सरकार ने ड्यूटी में शामिल नहीं होने के लिए रायगढ़ के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान फानी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सरकार ने पहले ही कहा था कि आपातकाल के दौरान ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।